Hey guys, welcome back to my channel. So, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करूंगा वो है दोस्तों ये मीटर। तो इस मीटर के ऊपर आज मैं बात करूंगा। तो ये मीटर मैंने खोला है इसलिए कि कस्टमर ने मुझे बताया कि गाड़ी बेचना है, इसलिए गाड़ी का मीटर थोड़ा कम करना है। समझो बात को, मीटर किस लिए कम करना है, गाड़ी बेचना है इसलिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गाड़ी खरीदने के टाइम पे सेकेंड हैंड बाइक कभी भी मीटर देख के मत लो गाड़ी। अगर गाड़ी देख लेना ही है तो इंजन चेक करो और दूसरा जो कुछ भी है वो सब कुछ चेक करो। सो आज मैं सिर्फ मीटर के ऊपर बात करूँगा और दूसरा कोई टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगा कि गाड़ी सेकेंड हैंड बाइक खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ चेक करना पड़ता है, वो सब मैं नहीं बोलूँगा अभी। दूसरे किसी वीडियो में मैं देखूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को बताऊँगा। तो आज से मैं मीटर के ऊपर बात करूँगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मीटर को कैसे बढ़ाया या कमाया जा सकता है। तो चलो मैं अभी तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। और सबसे पहले एक चीज़, वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चाहो पहले जाके सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब करोगे तभी वीडियो देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा वीडियो देखने, क्योंकि इतना मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। और जाते जाते हुए एक लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो, क्या है, बस कर दो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो अभी ये 23,610 किलोमीटर हुआ है। मैं इसको कमा के अभी देखो कैसे 7,000 या 6,000 ऐसे कुछ कर दूंगा। तो वीडियो देखते रहो। देखो ये हो गया 0, इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले वाला को 0 कर देते हैं। अभी देखो अभी कितना हो गया, 3,700 किलोमीटर, इसको थोड़ा बढ़ाना है। बस 7,700 किलोमीटर, ओए आगे एक हो गया, उसको 0 कर देता हूँ। हाँ बस अभी देखो 7,700 किलोमीटर हो गया, बस इतना ही रहने देते हैं। यही चीज़ मैं बोल रहा था आप लोगों को कि मीटर भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए बाइक खरीदने के टाइम पे वीडियो को पहले आप देख लो, उसके बाद बाइक को खरीदने से पहले आप लोग इसको ज़रूर चेक करें। मीटर को मत चेक करो, गाड़ी को किसी मिस्त्री या आपका कोई जान पहचान का हो, अगर गाड़ी का कुछ समझ में आता है उसको तो उसके पास ले जाओ, गाड़ी को अच्छे से चेक करवाओ, उससे के बाद आप लोग सेकेंड हैंड बाइक खरीदो, नहीं तो आप शोरूम से जाके नया खरीदो भाई, वही बहुत बढ़िया है। और शोरूम से नया खरीदने से पहले भी आपको चेक कराना पड़ता है, वो भी चेक करवा लो। तो पहले तो नॉर्मल मीटर रहता था, अभी डिजिटल मीटर हो गया। तो डिजिटल मीटर का बहुत सारे लोगों को पता है कि डिजिटल मीटर कम या ज़्यादा नहीं करा जा सकता है, लेकिन उसमें भी अभी काम होता है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी मत सोचो कि मीटर में कोई झोल नहीं होता है, उसमें भी होता है, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इसके ऊपर ही था, आप लोगों को थोड़ा सा छोटा एक अपडेट देना था तो वो मैंने दे दिया। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ, और जाने से पहले एक लाइक कर दो। और अगर दोस्तों चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो मेरा यूट्यूब चैनल जी डी मोटर्स। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।